रंगदारी मांगने के आरोपों में सांसद पप्पू यादव को न्यायालय ने जमानत दे दी, जिसके बाद पप्पू यादव ने अर्जुन भवन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिस राजा भगत नाम के व्यवसायी ने उन पर रंगदारी के आरोप लगाए वे उसे ठीक से जानते तक नहीं थे। मामले के तह में जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें फंसाने के लिए बड़ी साजिश की गई। साजिश का प्लान पटना में तैयार किया गया। इसमें बिहार के एक बड़े नेता, पूर्णिया के बिजनेसमैन, मधेपुरा का एक बिजनेसमैन और पूर्णिया का एक पूर्व विधायक भी शामिल रहे। अपनी जान को खतरा बताते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि बड़े लेवल पर उन्हें खत्म करने की साजिश चल रही है। जिस तरीके से साजिश के तहत उनके ऊपर रंगदारी के आरोप लगाए और जिस हड़बड़ाहट के साथ उनके ऊपर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, उन्हें पूरा भरोसा था कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। पप्पू यादव ने 57 साल की उम्र में आज तक कभी इतना हर्ट कभी नहीं हुए थे, इतना मेंटल टॉर्चर कभी नहीं हुए। जिस व्यक्ति से कभी मिले नहीं, उनके एक आवेदन पर थाना प्रभारी के मिली भगत से मुझ पर केस किया गया, ये सारा कुछ वरीय अधिकारियों के आदेश पर हुआ। जबरदस्ती सीजीएम कोर्ट में धारा 385 लगाया गया, जिसका मतलब है मैं मिला, सामने से धमकी दी और मौखिक रूप से मांग की, ये बिल्कुल गलत है। पप्पू यादव ने कहा कि थाना प्रभारी राजा भगत और उस अमित यादव का भी कॉल डिटेल निकाला जाए, जिसे मेरा आदमी बताया गया और फिर मेरे ऊपर रंगदारी के आरोप लगाए गए। अमित यादव से राजा भगत के कितनी बार बातचीत हुई, कॉल हिस्ट्री निकाली जाए। पदाधिकारी, नेता, माफिया के मिली भगत से ब्रोकरी का काम होता है, लगभग पदाधिकारी ब्रोकरी के कामों में इन्वॉल्व। मैं डीजी साहब को चिट्ठी लिखा हूँ कि लगभग थाना प्रभारी के मोबाइल कॉल का डिटेल लिया जाए, किस किस ब्रोकर से उनकी डेली बातचीत होती है। ब्लॉक के लगभग प्रभारी का मोबाइल डिटेल लिया जाए, किस किस दलाल से उनकी डेली बातचीत होती और कर्मचारी। किस किस नेता, ठेकेदार और पदाधिकारी का कि मिली भगत से पूर्णिया कटिहार में टेंडर का काम चल रहा है, लगभग 45% और 60% एनएच का आरईओ का काम पेंडिंग है, पैसा उठ गया है और काम नहीं हुआ है, पैसे उठ गए, टोटल पैसा उठ गया। उसमें कई बड़े नेताओं का परिवार के नाम से कंस्ट्रक्शन है, हम उसकी जांच कराएंगे निगरानी से और ये जांच हम सदन के भीतर भी स्पीकर को, मंत्रालय को लिख करके देंगे कि केंद्रीय एजेंसी की जो भी स्कीम है उसकी जांच मंत्रालय से कराई और स्टेट गवर्नमेंट ये जांच हो, यदि नहीं किया गया तो हम हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल। पूर्णिया कटिहार के लगभग पदाधिकारी के नंबर की जांच यदि सरकार नहीं की तो हम हाईकोर्ट गए। आज हम हाईकोर्ट जा रहे हैं कई मुद्दों पर, लेकिन हम हाईकोर्ट गए, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, चाहे किसी के पेट में जितना दर्द हो छोड़ेंगे किसी के नहीं। उसमें मीडिया के भी कई लोगों का टेलीफोन माफियाओं के से और क्या कहते हैं ब्रोकर के साथ क्लियरिटी है, उसकी दिनचर्या में बात होती है। कई ऐसे मीडिया कर्मी, सवाल उठता है कि मीडिया पार्टी क्यों बनती है। जिस एक घर दुनिया बकसता है, जिस थाली में खाते आप उसी थाली में छेद करते, अरे किसी को तो बकसिए। मेरा कोई इन्फॉर्मेशन जब
किसी चीजों में नहीं है, आपको एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते, सिस्टम से मेरी लड़ाई है, मीडिया से तो नहीं है। मीडिया के लिए कहते हम फ्रेंडली हैं और हम रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग पार्टी बन के और जातीय आधार पर काम करते हैं जो सही नहीं है। मेरा आग्रह होगा कि पार्टी और जातीय आधार पर कुछ साथी जो काम कर रहे हैं वो ना करें। शीशे के घर में रह के पत्थर ना मारिए, सूप बाजे तो बाजे चलनियों बाजे, ये सही नहीं। लगभग सरकार की 60% योजना, 70% योजना ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना कहीं पूर्ण नहीं है। 10,000 रुपया मिला, 2,000 रुपया नहीं दी गई, 8,000 रुपया में कुछ नहीं बना। 20,000 रुपया दिए, 18,000 रुपया, 14,000 रुपया मिला, 16,000 रुपया मिला, 4,000 नहीं मिला, कुछ नहीं बना। ईटा खड़ा करके घर वैसे पड़ा हुआ। जल नल योजना पूरी लूट हो गई पूरी, और कहीं भी दलित बस्ती में आदिवासी बस्ती में लगभग 90% ODF नहीं, लगभग। और ब्लॉक में मोटेशन और जमाबंदी में CO का ऑफिस 1 करोड़ का प्रैक्टिस है, 1 करोड़ रुपये CO की ऑफिस के। और यही स्थिति मनरेगा की है, 60% मनरेगा का बंदरबांट हो गया, 70%। धारक कौन है कौन नहीं है कोई मतलब नहीं। फिलहाल NGO के द्वारा जो भी चीज यहां चल रही है सबके सब घोटाले, हम किसी भी NGO को नहीं छोड़े। रुपौली में जितना NGO ने भवानीपुर रुपौली बनमनखी कस्बा जो नगर निगम में काम कर रहे हैं, अब उप जो अभी बना है नया नगर परिषद, सब चीज जितनी खरीद भी है उसमें बंदरबांट, सारी सफाई चीजों में बंदरबांट। लगभग जो भी NGO आए हैं पूर्णिया कटिहार में, हम उसकी निगरानी चाहेंगे और उसकी जांच चाहेंगे। 60-70% NGO यहां से पैसा गायब कर टोटली। लगभग पदाधिकारी NH के और इन लोग के ये बिहारपुर पूर्णिया से गायब रहते। ये परिस्थिति, इसलिए 3 तारीख के बाद अविलंब हम निगरानी कमेटी की बैठक बुलाएंगे और हम अपनी बात पूरी मुस्तैदी के साथ रखें।